बिहार शरीफ के मघरा गांव स्थित शीतला मंदिर में सोमवार से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 2 अप्रैल यानी आज है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन मां शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि मां शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। इनमें चेचक और चर्म रोग जैसी बीमारियां हैं। सोमवार से लगने वाले 3 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं से गुलजार है। मंदिर परिसर में जहां श्रद्धालुओं को लंबी कतारें देखी जा रही है, तो वहीं मेला क्षेत्र में कई अस्थायी दुकानें खुल गई है जहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए अपनी बारी का घंटों से इंतजार करते देखे जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला मंदिर के पास बने शीतल कुंड तालाब में स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना करने से चेचक जैसे रोगों से निजात मिल जाती है। सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मंगलवार यानी आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के अवसर पर मघरा गांव सहित आस पड़ोस के लगभग 1 दर्जन गांवों में चूल्हे नहीं जलाए जाएंगे। इसके लिए सोमवार को सप्तमी की तिथि को ही ग्रामीणों के द्वारा मीठी कुआं के जल से प्रसाद के रूप में भोजन सामग्री पकाई गई है, जिसे आज बस्योरा के रूप में ग्रहण करेंगे और अपने सगे संबंधी तथा इष्ट मित्रों को भी प्रसाद खिलाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चूल्हे जलाने से माता को तकलीफ होती है, जिसका अनिष्ट फल मिलता है। कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जो माँ का मेला लगता है वह शीतलाष्टमी मेला के नाम से जाना जाता है। आज उसी का मेला लगा हुआ है। यह पर्व जो है पिछले दिन सप्तमी से ही शुरू हो जाता है और आज शीतलाष्टमी का व्रत मनाया जाता है। क्या महत्व क्या है ऐसा आज का दिन बस्योरा मनाया, क्यों मनाया जाता है आज के? आज माँ जगदम्बा शीतला जो है वह अपने व्रत में सब लोगों को रखती है। इस व्रत का जो मूल महत्व है कि आज बस्योरा के नाम से यह व्रत जाना जाता है। सप्तमी के दिन माँ के लिए प्रसाद बन जाता है और उसी प्रसाद का भोग अष्टमी के दिन लगता है और सभी जितने भी यहाँ के श्रद्धालु भक्त हैं वह सभी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आज पूरे ग्राम में किसी भी प्रकार का चूल्हन आदि नहीं जलाया जाता है और इस मेले का इतना महत्व है, इस पर्व का इतना महत्व है कि यहाँ किसी भी प्रकार के लोग अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं तो आज के दिन आज आने से ही उनकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से यह माँ चेचक के नाम से जानी जाती है कि यदि किसी भी भक्त को उनके बच्चे को चेचक आदि हो जाता है तो माँ शीतला के कुंड से उनके नीर और माँ शीतला के हवन कुंड से उनकी विभूति को लगा दिया जाता है तो वह उस भयंकर रोग से निजात पा लेता है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका वर्णन जितना किया जाए वह सूरज को दीपक बुझलाने के बराबर होगा और यह इसकी जो पवित्रता है इसकी पवित्रता बहुत ही असीम पवित्रता है। आज के दिन सभी लोग अपने घर में चौक आदि कर करके जितने भी पवित्रता की वस्तुएं हो सकती है, जितनी पवित्रता का कार्यक्रम हो सकता है वह सभी को निभाते हैं। आज हर एक साल की बात थी, कईयों बरस से माता शीतला अष्टमी आज होता है, शीतलाष्टमी जो कि आज के दिन हम लोग वही प्रसाद के रूप में माता के दर्शन के लिए तो नहीं है, लोग से लोग यहाँ जन सैलाब उभरा हुआ है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आए हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला आज शाम तक चलते रहे। यहाँ लगा कितने श्रद्धालु अभी में आए हुए हैं? अभी तक तो 50 तक श्रद्धालु लोग दर्शन कर चुके हैं, अभी और शाम तक करीब करीब 9 ऊपर। यहाँ नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।